आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये देखिए मेरा ये पौधा है, छोटा सा पौधा है टमाटर का, और कितने सारे और हेल्दी प्लांट है ये सारे के सारे। फ्रेंड्स, ये घर के में ही जो फ्रेश टमाटर होते हैं आप उसी को काट करके उसके बीज से ढेर सारा सीड पा सकते हैं। चाहे तो आप मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी की लेकिन सीड ले लें। और इसे जो लगाने का टाइम है वो बहुत अच्छा होता है, फरवरी मार्च में लगाइए, आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, बस मई और जून जो होती है उसको अवॉइड कर दें, फिर आप जुलाई एंड से शुरू करें टमाटर की सीडलिंग करने के लिए। और मैंने इस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरे पिछले जो चैनल्स हैं उसमें वीडियो देख सकते हैं, काफी स्टार्टिंग से मैंने उसको वीडियो को बनाए हुई हूँ फ्रेंड्स। तो इसको लगाने लेने के लिए पहले मैं टमाटर है जो फ्रेश टमाटर उससे मैंने सीड्स ढेर सारे निकाल दिए, और कुछ नहीं, इसको बस नॉर्मल जो मेरा गार्डन का सॉयल है उसी में लगा रही हूँ। चाहे तो इसमें 50 ग्राम के लगभग जो बर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं अगर हो तो, नहीं तो नॉर्मली गार्डन सॉयल में भी ये बड़े आराम से ग्रो कर जाता है। और इसको सीड्स को बिल्कुल ऊपर ऊपर ही आप छिड़क दें और हल्की सी ऊपर से मिट्टी की परत बिछा दें, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं लगाना है, नहीं तो अंदर ही अंदर वो सड़ भी जाएगा और फिर निकलने में भी स्पॉट्स निकलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोथ फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसको सैडी एरिया में रख दीजिए, बस नॉर्मली पानी देते रहना है और कुछ नहीं। कुछ दिनों नहीं, बहुत उसके मतलब 7-8 दिनों में ही प्लांट्स जो है स्प्रॉट्स निकल आते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से देखिए मेरा बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्लांट्स पौधे छोटे छोटे बिल्कुल निकल आए हैं। ये मेरा 8 दिन का है और देख रहे हैं, इसको बस अब हल्की सी धूप में कर देना है जिससे कि प्लांट्स ग्रोथ अच्छी हो। और ये लगभग मेरा 15-16 दिन का प्लांट्स हो गया है, इसमें अभी भी छोटे छोटे जो है पौधे हैं वो निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब प्लांट्स को पौधे को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो जो हेल्दी पौधा हो उसी को लगाएं, बिग पौधे को ना लगाएं, नहीं तो वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा, फ्रूट्स भी उसमें अच्छे नहीं आएंगे। तो हेल्दी प्लांट के लिए आप देख लें कि जो जिसकी टहनियां ब्रांच वगैरह हो वो मजबूत होनी चाहिए और पत्ते भी जो है उसकी ग्रीन ग्रीन होने चाहिए फ्रेंड्स। और इसको जो धूप जरूर दिखाइएगा जब इसका स्प्रॉट्स निकले, तो तभी ये मजबूत भी प्लांट तैयार होता है। और इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए इसका जो हम सॉइल तैयार करेंगे वो बिल्कुल एक परफेक्ट और अच्छा सॉइल तैयार करना है, क्योंकि हम इसे पॉट में लगा रहे होते हैं, कोई जमीन में नहीं, जमीन में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन पॉट में जब हम लगाते हैं तो एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाद तैयार करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने जो है, और पॉट साइज जो है 12 इंच का लें, 12 इंच के पॉट में आप दो पौधे लगा सकते हैं, दो से ज्यादा ना लगाएं नहीं तो फिर उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। और ये मेरा कंटेनर है, एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें मैं कम से कम 4 से 5 पौधे लगाऊंगी। और इसमें मैंने जो कंपोस्ट मिक्स किया है वो 50% गार्डन सॉइल है, 30% मैंने कॉडंग और बर्मी कंपोस्ट दोनों मिक्स किया है, और साथ में ही मैंने 2 चम्मच जो है बोन मील, और इसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, अगर सरसों की खल जो पाउडर होती है वो 2 चम्मच पाउडर भी आप मिक्स कर सकते हैं अगर हो आपके पास तो इस तरह से। और 20% जो है रेत मिक्स कर देना जिससे अच्छी थोड़ी पोरस वाली भी खाद जो है तैयार हो जाए। अगर आपके गार्डन में सूखी पत्तियां उत्तियां भी है तो आप सबसे पहले उसके टब के नीचे भी बिछा सकते हैं। तो इस तरह से हेल्दी प्लांट्स जो है मैं सेलेक्ट करके और उसको बिल्कुल लगा दूंगी। और लगाने के बाद जो है इस जो कंटेनर है हमारा, जो पॉट है उसको प्लांट को धूप नहीं दिखाना है जिस दिन आपने ट्रांसप्लांट किया हो, 24 घंटे के लिए कम से कम उसको सैडी एरिया में ही रहने दीजिए, या अगर ऐसी जगह है जहां पर जैसे कि मैं उठा नहीं सकती इसको, बहुत बड़ा टब है, तो मैं ऊपर से कवर कर दूंगी जिससे कि धूप ना लगे, नहीं तो प्लांट्स जो है अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। और बस नॉर्मली पानी दे दूंगी, सॉरी कोई भी फर्टिलाइजर इस समय ऐड नहीं करूंगी, 25 दिनों के बाद, लगभग 20 से 25 दिनों के बाद मैं इसमें फिर फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करूंगी, और जिसके वीडियो जो मैं है फिर आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हमारे चैनल्स पे नए हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।